वही भिलाई तीन स्थित उमदा रोड के मुक्ति धाम का जीर्णोद्धार शुरू हो गया है। नगर निगम भिलाई चरोदा ने इस मुक्ति धाम को 98 लाख रुपए की लागत से बेहतर स्वरूप प्रदान करने का बीड़ा उठाया है। महापौर निर्मल कोसरे ने श्रीफल तोड़कर यहां होने वाले विभिन्न निर्माण कार्यों का शुभारंभ किया। उमदा रोड पर स्थित मुक्ति धाम की दशा और दिशा बदल जाएगी। महापौर निर्मल कोसरे ने पूजा अर्चना के पश्चात श्रीफल तोड़कर कार्य प्रारंभ कराया। निगम द्वारा 98 लाख रुपए की लागत से यहां पर विकास कार्य कराए जा रहे हैं। मुक्ति धाम के चारों ओर बाउंड्री वॉल बनाकर शवदाह शेड का जीर्णोद्धार कराया जा रहा है। इसके अलावा जन सुविधा की दृष्टि से प्रतीक्षालय, पीने के लिए पानी सहित अन्य जरूरी व्यवस्था यहाँ पर की जाएगी। महापौर निर्मल कोसरे ने बताया कि भिलाई तीन में एकता नगर में एक ही सर्व सुविधा युक्त मुक्ति धाम है। शहर के विस्तार के साथ ही उमदा रोड के मुक्ति धाम को भी विकसित करने का निर्णय नगर निगम ने लिया है। यहां पर सुविधाओं के अभाव से अंतिम संस्कार में आने वालों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आने वाले दिनों में भी सभी तरह की दिक्कतें यहाँ पर खत्म हो जाएगी। भिलाई तीन का यह मुक्ति धाम सभी शहरवासियों से घिरा हुआ यह मुक्ति धाम है। सबका अंतिम रास्ता यही है। 98 लाख के लागत से इस मुक्ति धाम का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, जिसका आज कार्य की शुरुआत करने के लिए श्रीफल तोड़ के आज शुरुआत की गई। निश्चित रूप से जब से माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ में बागडोर संभाले हैं, हमारे भिलाई चरोदा नगर निगम को काफ़ी राशियों की सौगात दी है। बरसों पुरानी ये मांग रही है कि ये जो शमशान घाट है, मुक्ति धाम है, मुख्य मार्ग से जुड़ा हुआ है। ममतामयी माँ, हमारे बिंदेश्वरी माता जी का भी यहाँ पर अंत्येष्टि का कार्यक्रम हुआ था। हम सभी पहले ही सोच रखे थे कि इसको अच्छा से बनाना है। आज हमको मौका मिला कि इसको एक वृहद रूप से इसका सौंदर्यीकरण हम लोग कर रहे हैं। लोगों के प्रतीक्षालय के रूप में यहाँ पर बैठने की व्यवस्था होगी। गार्डनिंग के लिए यहाँ पर जगह निर्धारित की गई है। साथ ही साथ पूरे चारों तरफ इसको तार फेंसिंग किया जाएगा। पूरी एस्टीमेट बन चुकी है और आज से इस काम की शुरुआत कर रहे हैं। सोमवार से यहाँ पर काम चालू भी हो जाएगा और लोगों को बहुत जल्द यहाँ की सुंदरता देखने को मिलेगा। इस अवसर पर लोक निर्माण विभाग प्रभारी संतोषी निषाद, MIC सदस्य पार्षदगण सहित कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई तीन चरोदा से शरण खरे की रिपोर्ट।